अच्छा हम लोग तो सही लग रहे हैं। तो ये यार्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ थी, बट यहाँ पे किसी का की अवेलेबल नहीं है। तुम्हें पता मेरा यही काम है। तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम आते हुए थे और एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं फॉर्च्यूनर के शोरूम में। हमें एक फॉर्च्यूनर डिलीवरी लेनी थी, हमारे साथ हमारे सारे भाई थे। इतनी देर में हम लोग निकलने वाले हैं फॉर्च्यूनर के शोरूम में, और वहां जाके आज एक हमें गाड़ी परचेस करना था। तो चलते हैं, देखते हैं क्या हमें पसंद की हमारी फॉर्च्यूनर मिलती है या नहीं मिलती है। उससे पहले आप लोगों को हमारे दोस्तों से मिलाते हैं। फिलहाल हमारे मणिकांत भाई है, और हमारी आकाश भाई है, और हमारे अभिषेक भाई हैं, जो फिलहाल अभी फोटो खिंचा रहे हैं। अरे क्या तो यहाँ फोटो वोटो खिंचा ले हम लोग खींच। तो फिलहाल चलते हैं फॉर्च्यूनर के शोरूम में, और वहाँ पे चल के देखते हैं कौन कौन सी मॉडल है और कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं अवेलेबल। फिलहाल हम आ चुके थे टोयोटा का शोरूम, और ये ठीक हमारे सामने ये टोयोटा का शोरूम है, और चलते हैं इसके अंदर। और हमारे जो मित्र हैं, मित्रगण से भी आप लोगों को मिलाते हैं थोड़ी देर में। ये हमारे दीपक भाई हैं, जो आफ्टर लॉन्ग टाइम बाद हमसे मिल रहे हैं। ओवरऑल लुक की बात करें तो काफी बेहतरीन यहाँ पे आपको लुक देखने मिल जा रहा है, और इसका प्राइसिंग की बात करें तो ज्यादा फ्राइजिंग भी नहीं है इसका, और सारा चीज इसमें सारा फीचर्स यहाँ मिल जाता है देखने। यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, और यहाँ पे एसी कंट्रोल, बाकी सब जो अदर फॉर्च्यूनर गाड़ियों में होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें हैं काफी बेहतरीन। ये कुछ बैक का लुक है, और काफी अच्छा स्पेस भी है देख सकते हैं। यहाँ पे आपको गियर देखने मिल जाता है, और यहाँ पे इको मोड, पावर मोड दिया हुआ है। यहाँ पे हैंड ब्रेक भी है, यहाँ पे आपको कप होल्डर देखने मिल जाता है, और यहाँ पे एयरबैग भी देखने मिल जाता है आपको। तो काफी बेहतरीन है सारा चीज इसमें, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एसी दिया गया है, तो काफी अच्छा और बेहतरीन लुक भी है एसी का यहाँ पे और वहाँ पे। और यहाँ पे आपको साइड में भी एसी देखने मिल जाता है यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे कंट्रोलर है एसी का। तो फिलहाल हमने यहाँ से देख लिया था, और यहाँ पे अभी ज्यादा स्टॉक था नहीं, एक था वो भी डिलीवरी हो रहा था। तो फिलहाल हम जा रहे हैं यार्ड में, यार्ड में देखेंगे क्या क्या है गाड़ियाँ हैं फॉर्च्यूनर की, और क्या क्या मॉडल हैं। यहाँ पे सिर्फ एक बेस मॉडल थी, और ज्यादा यहाँ पे स्टॉक था नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ पे स्टॉक है वहाँ पे, और देखते हैं वहाँ पे हमें हमारी पसंद की गाड़ी मिल रही है या नहीं मिल रही है। हम आ चुके थे टोयोटा के यार्ड में, यहाँ पे देखते हैं क्या हमें हमारी पसंद की गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलो भाई, तो ये यार्ड है देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ थी, बट यहाँ पे किसी का की अवेलेबल नहीं है। की अवेलेबल होता तो आपको टेस्ट ड्राइव लेके दिखाते। तो आप जो सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं ये सारे सेल आउट है देख सकते हैं, और यार्ड में ये सारी गाड़ियाँ थी जो सेल आउट थी। इनका अभी कोई टेस्ट ड्राइव अवेलेबल नहीं है, टेस्ट ड्राइव अवेलेबल होगा तो हम ट्राई करेंगे टेस्ट ड्राइव का भी, बात करते हैं अभी उसके बाद देखते हैं टेस्ट ड्राइव मिलेगा या नहीं। भाई काफी बढ़िया है अभी। बताइए कौन सा है? ये S2 है, माने मैनुअल है ये। इसका हाइट से ज्यादा ये ज्यादा लग रहा है, क्या है ये थोड़ा ऊंचा ज्यादा खड़ा है इसी का वजह से। बढ़िया से उठाएगा नहीं? ना ना, आपको हिलेक्स भी देखने मिल जाएगी जो काफी शानदार लुक वाइज लग रही है। आइए इसका थोड़ा देखते हैं पीछे का कंडीशन कैसा है, और ये देख सकते हैं कितना स्पेस है इसमें। तो यहाँ पे हमने सारा स्टॉक देखा, यहाँ पे कोई अवेलेबल स्टॉक नहीं है फॉर्च्यूनर का। ये आप जितनी भी सारी गाड़ियां देख रहे हैं ना, ये सारी की सारी बुक है, और अगर हम आज बुक करते हैं तो लगभग हमें 6 मंथ या 8 मंथ वेट करना पड़ेगा तो जाके हमें गाड़ी डिलीवरी मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। तो काफी ज्यादा जाम है डिलीवरी के लिए, तो देखते हैं कोई उपाय लगाते हैं, और उसके बाद उपाय पाए कुछ लग पाता है तो आपको डिलीवरी का भी वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और एक बात, किसी को सेकेंड हैंड गाड़ियां, डंपर या ट्रक, 12 चक्का 16 चक्का कोई भी आपको गाड़ी रिक्वायरमेंट हो, तो हमारा इंस्टाग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से हमें जाके डीएम कर सकते हैं, मैं आपको वो गाड़ी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोयला भी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोयला या बालू वो भी आपको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। शाम हो चुका था, हम आ चुके थे अपने पुलिस पास। आज लगभग काफी काम होने वाला है, क्योंकि आज लगभग 15 से 20 गाड़ियां हैं जिन्हें हम आज छोड़ने वाले हैं, वो कोयले में सारी लोड होने गई है,
वो थोड़ी देर में मतलब आने वाली है, सबका कागज पत्र रेडी होगा तो उसमें काफी टाइम लगने वाला है, तो देखते हैं उसके बाद अगर वीडियो कंटिन्यू कर पाए तो करते हैं, नहीं तो अदरवाइज इस वीडियो को यहीं तक एंड करेंगे। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।